ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेंद्र। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बताया था, जिस वीडियो में आप लोगों को बताया था आप लोग एजेंट आईडी किस प्रकार ले सकते हैं, उसमें मैंने सारा प्रोसेस बताया था। यदि आप लोगों ने एजेंट आईडी ले लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि एजेंट आईडी लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, तो जाकर आप देख सकते हैं। फाइनली एजेंट आईडी ले लिया हूँ, तो आप देख सकते हैं जब भी आप एजेंट आईडी लेंगे तो सबसे पहले आपके पास एक डोंगल आता है कुछ इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसमें 1 ईयर या फिर 2 ईयर के वैलिडिटी होता है। इसी डोंगल से आप टिकट बुक कर सकते हैं। जब तक आप पीसी या लैपटॉप में ये डोंगल कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपका टिकट बुक नहीं होगा, यानी जैसे टिकट बुक करेंगे तो आपको टिकट फेल हो जाएगा पेमेंट फाइनली पेमेंट पे। तो सबसे पहले डोंगल जरूरी होता है यदि आप एजेंट आईडी लेते हैं तत्काल टिकट या फिर नॉर्मल टिकट बुक करना चाहते हैं एजेंट आईडी से। तो यदि आप लोग भी लेना चाहते हैं तो वीडियो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो चलते हैं डेस्कटॉप पे और वहाँ पे मैं बताता हूँ एजेंट आईडी से आप लोग टिकट किस प्रकार बुक कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आप देख सकते हैं फाइनली मैं लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। इसका सिंपल आपको करना क्या, सबसे पहले जो आपके पास यदि डोंगल आपने यदि एजेंट आईडी ले रखे हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास डोंगल आया वो डोंगल हमें पीसी से या लैपटॉप से कनेक्ट करना है। तो सिंपल मैं पहले कनेक्ट करता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पीसी से कनेक्ट कर लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया हूँ। कनेक्ट करने के बाद आप भी देख सकते हैं यहाँ पे हमें सबसे पहले पिन सेट करना पड़ेगा। तो यस मैंने किया, पिन हमें टाइप करना होता है तभी हम तत्काल टिकट या फिर नॉर्मल टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन तत्काल टिकट का एजेंट आईडी में बुकिंग का टाइम चेंज होता है। इसके बाद हम सिंपल गूगल क्रोम ओपन करेंगे। इसके बाद गूगल पे हमें सर्च करना है जस्ट क्लिक पे। फिर सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड फिल करना है, तो मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। इसके बाद लॉगिन करते हैं। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लॉगिन कर दिया हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो फर्स्ट में देख सकते हैं फ्लाइट, सेकंड में आपको रेलवे, थर्ड में आपको बस, फोर्थ में आपको इंश्योरेंस के ऑप्शन कुछ देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल में यहाँ पे देख सकते हैं 139 रुपये भरे हुए हमारे पोर्टल में। इसके बाद हमें रेलवे टिकट बुक करना है, सिंपल हम रेलवे पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्म स्टेशन सेलेक्ट करना है, तो मैं दिल्ली से सेलेक्ट करता हूँ। जाना है मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करना है, जिस डेट में भी आप बुक करना चाह रहे हैं। इसके बाद सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते जितने भी ट्रेन जा रहे होंगे इस डेट में सब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, स्लीपर, टू एसी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ट्रेन सर्च करना है, इसका जो क्लास में आपको टिकट बुक करना है सिंपल यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपको दिखा देंगे, देख सकते हैं यहाँ पे 17 तारीख की ट्रेनें कैंसिल है, 17 को कैंसिल है, 24 को आपको जा रहा है, 31 को जा रहा है, कुछ इस तरह से आपको डेट यहाँ पे शो कर देगा। इसके बाद सिंपल हमें मान लो कि हमें इस 31 तारीख के डेट में बुक करना है, सिंपल बुक नाउ पे क्लिक करेंगे। बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद पैसेंजर डिटेल फिल करना है, तो मान लो मैं फटाफट पैसेंजर डिटेल, इसके बाद एज फिल करना है, इसके बाद मेल फीमेल सेलेक्ट करना है, इसके बाद बर्थ सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर फिल करना है, तो मोबाइल नंबर भी फिल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद हम नीचे की तरफ आते हैं, देख सकते हैं आपको चाइल्ड का, आपको 5 साल से अगर नीचे के बच्चे थे यहाँ पर नाम टाइप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस फिल करना होता है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद इंटर कर देना है, इसके बाद ओके करेंगे। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट ऑफिस भी सेलेक्ट हो चुका है, एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी क्लिक करना है। इसके बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बैलेंस लो दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर बुक नहीं हो रहा है। अगर बैलेंस होता तो यहाँ पर बुक हो जाता, तो आपको सिंपल जैसे ये बुक नाउ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको एक पेज खोले ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक जस्ट क्लिक की तरफ से जो यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया है यूज़र नेम पासवर्ड फिल करना है, इसके बाद सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारा टिकट बुक हो जाएंगे। तब देख सकते कल के डेट में मैंने एक टिकट भी बुक किया था, तो मैं आपको चेक करा देता हूँ कुछ इस तरह से। मैं कल के डेट में बुक किया था टिकट 7 तारीख का। इसके बाद सर्च पर क्लिक करते हैं, तब देख सकते 2 टिकट मैंने बुक किया हूँ। अगर प्रिंट आउट निकालना था सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, इसको देख सकते हैं टिकट आपको देखने को मिल जाता है। तो बिल्कुल आसानी से आप यहाँ से भी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या फिर आपके मेल पे भी जो मेल आईडी आपने रजिस्टर्ड होगा इस पोर्टल में उस मेल पे भी आपके पास टिकट चले जाएंगे। तो इस तरह से आप एजेंट आईडी से भी टिकट बुक कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।